हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की वीडियो लेकर आई, टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज जो इस मंथ जून मंथ में आप लोगों के लिए आई है, ग्रेजुएशन लेवल 10+2, इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जॉब जो आ रही, सो IBPS ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023। सो IBPS की जॉब, दैट इज बैंक की जॉब जो है, जो भी एस्पिरेंट जो है वो बैंक की जॉब के लिए बहुत ज्यादा चाहते हैं कि वो बैंक में लगे, सो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो है, दैट इज IBPS की जॉब निकल चुकी है। टोटल इसकी जो वैकेंसी रहने वाली है दैट इज 8611, और इसमें जो PO की पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी दैट इज 2485, और जो क्लेरिकल पोस्ट के लिए 5538। सो टोटल इसकी जो वैकेंसी है दैट इज 8611। बहुत अच्छी वैकेंसीज जो है वो निकली हैं, आप लोग अप्लाई करिए। एज लिमिट है दैट इज 18-28 ईयर्स तक, जो मेल फीमेल वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब ऑलरेडी ऑनलाइन आप अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, 21 जून तक इसको आप लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो देर मत करो, अभी अप्लाई कर दीजिए। सो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज कोई भी बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। इस जॉब सेकेंड जॉब जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दैट इज SSC MTS हवलदार की रिक्रूटमेंट जो है वो आई है। मल्टी टास्किंग जो स्टाफ रहता है दैट इज नॉन टेक्निकल स्टाफ जो रहता है उसकी और हवलदार की जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, और टोटल वैकेंसी आप लोगों की 10,000+ वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। और इसकी जो भी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे वो स्टार्ट होएगा 14th of June से, जो कि 14th of July तक आप इसको फिल कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 10th पास भी से फिल कर सकते हैं। एज लिमिट इसका 18-27 ईयर्स तक रहने वाला है। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, सेशंस होंगे Session 1 and Session 2 करके। सो इसमें जो है वंस इन अ ईयर करवाया, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। सो इस एग्जाम को जरूर फिल करिए, जो भी 10th पास हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। देन मैं थर्ड जॉब जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो जॉब रिक्रूटमेंट नहीं है, DDA वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टोटल वैकेंसी निकली है दैट इज 687। सो 687 जो जॉब रिक्वायर्ड जॉब पोस्ट है इसके अंदर आपके पास जैसे कि 194 है, पटवारी की 40 पोस्ट है, JEE की 236, ASO की 125 पोस्ट है। सो इसके अंदर जो आपको पटवारी एंड ASO के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप लोग ग्रेजुएट होना जरूरी है। JEE की पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल तक का। बट जो आपके पास असिस्टेंट JSC की जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है दैट इज 12th पास होना जरूरी है, 12th पास भी इसे फिल कर सकता है। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है 3rd of June से। इसका एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त, इस साल अगस्त 2023 सितंबर तक चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल जो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि वुमेन और अदर कैटेगरीज के लिए ये एग्जाम फ्री है। सो जितनी भी फीमेल मुझे सुन रही हैं वो प्लीज इस एग्जाम को जरूर फिल करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आप लोग फिल कर सकते हैं, मेल भी इसे फिल कर सकते हैं, फीस देनी पड़ेगी। सो वुमेन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम होगा इसका ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ दैट इज 4th अपॉर्चुनिटी जो आई है रिक्रूटमेंट जो निकली है, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। सो इसकी जो टोटल 700 है, मेल और फीमेल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, 1st June से ये स्टार्ट हो चुका है। इसकी अप्लाई करने की 22nd of June, काम इसका ऑलमोस्ट जुलाई में हो जाएगा, अक्टूबर तक ये रिक्रूट भी कर लेंगे लोगों को। ये लिमिट जो है इसकी वो 18-25 ईयर्स तक रहने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी। सो क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आप मेल हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो मेल के लिए इसमें लाइसेंस होना जरूरी है, प्लस उनके पास कंप्यूटर का 80 आवर्स का कोर्स होना जरूरी है। सो ये रिक्वायरमेंट है। देन हमारे पास आता है 5th एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी जो अभी आई है और आप लोग अप्लाई करिए। 5th अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स FCAT रिक्रूटमेंट। सो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का FCAT का, अगर आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग एयरफोर्स को ज्वाइन करें सो आप लोग इस एग्जाम को जरूर फिल करिएगा। टोटल वैकेंसी 276 वैकेंसी जो है वो इसमें निकली है। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1st June से, 30th June जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। सो 80,000+ सैलरी इसकी रहती है। सो डिपेंड करता है आपका ग्रेड क्या है, आपने कौन से पोस्ट पे कहाँ प्रमोशन, कहाँ पे आपकी जॉब हुई है, कहाँ पे आपने ज्वाइन किया है, कौन सी पोस्ट पे किया है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हर जॉब में, हर गवर्नमेंट जॉब में रहता है। 26 ईयर अगर आपकी एज है और आप लोग चाह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना
तो इसे जरूर फिल करिए. सो यही थी आज की टॉप 5 जॉब अपॉर्चुनिटी जो इस मंथ में आई है. सो अगर आप लोग चाहते हैं ये सबके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, सो प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो ऐसी वीडियोस और भी आप लोगों के लिए आती रहेंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी. एंड प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिल करना चाहते हैं एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.